हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज हम बनाएंगे 15 अगस्त या 15 अगस्त स्पेशल। आज हम दालों का यूज़ करके तिरंगा दाल वड़ा बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और फ्लेवरफुल होता है। आप भी 15 अगस्त या 15 अगस्त पे ज़रूर बनाएं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। दाल वड़ा बनाने के लिए हम एक बर्तन लेंगे और बर्तन में 1 कप अरहर की दाल डालेंगे और इसमें 1 कप मसूर की दाल डालेंगे और 1 कप चने की दाल डालेंगे। दाल वड़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 तरह का दाल का यूज़ किया है। आप चाहे तो अपने पसंद से और भी दाल ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालकर 2 से 3 बार अच्छे से इस तरह मिलाते हुए हाथ से वॉश कर लेंगे या धो लेंगे। दाल में पानी डालकर 3 घंटे के लिए भिगो देंगे। एक बर्तन लेंगे और इसमें 2 कप उड़द की दाल डालेंगे और दाल को धो करके हम इसे भी भिगो देंगे। ग्रीन या हरा कलर का वड़ा बनाने के लिए हम एक बर्तन लेंगे और इसमें 2 कप छिलके वाली हरे मूंग की दाल डालेंगे और दाल डालकर हम इसे भी 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे और इसे पानी डालकर हम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देंगे। और ये देखिए, दाल को भिगोए हुए 4 घंटे हो गए हैं और दाल हमारी अच्छे से फूल के डबल हो गई है। और चलिए अब हम तीनों दाल को ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम मिक्स दाल को ग्राइंड करेंगे। यहाँ मैंने एक ग्राइंडर जार लिया है। ग्राइंडर जार में अरहर की दाल या तुअर दाल और मसूर दाल, चना दाल का मिक्स को हम ग्राइंडर में डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका दरदरा पेस्ट या दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने दाल को अच्छे से दरदरा ग्राइंड कर लिया है। और अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ऑरेंज या नारंगी कलर के दाल वड़ा बनाने के लिए हम इसमें 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार या 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और इसमें 1/2 चम्मच गोटा जीरा डालेंगे और इसमें बारीक कटा हुआ 1 प्याज ऐड करेंगे और बारीक कटे हुए 2 हरी मिर्च डालेंगे और इसमें 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, जिससे इसका स्वाद अच्छा आएगा। और सभी मसालों को हम इसमें डाल करके अच्छे से मिला लेंगे। दाल वड़े के बैटर को हम हाथ से अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिससे दाल वड़ा में बहुत ही अच्छा मसालों का फ्लेवर आएगा। और इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। और सेम ग्राइंडर में ही भिगोई हुई उड़द की दाल डालेंगे। दाल डालकर हम इसे दाल में स्वाद अनुसार या 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। दाल में थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे महीन पीस लेंगे। सफ़ेद या उजला कलर का वड़ा बनाने के लिए हम इसे बारीक और महीन पीस लेंगे। और अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ग्रीन या हरा कलर की दाल वड़ा बनाने के लिए हम छिलके वाली मूंग की दाल को ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसमें 1 छोटा टुकड़ा अदरक और 1 मिर्च का डालेंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालकर छिलके वाली मूंग की दाल को भी हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने मूंग की दाल को दरदरा ग्राइंड कर लिया है। और अब हम ग्राइंड किए हुए दाल को भी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। मिक्स दाल वड़ा में हम थोड़ा सा तोड़कर कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता डालने से इसका फ्लेवर अच्छा आता है। दाल वड़ा फ्राई करने के लिए हम एक पैन लेंगे और पैन में फ्राई करने के लिए तेल डालेंगे और तेल को मीडियम फ्लेम पे गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो गया है और अब हम ऑरेंज कलर का दाल वड़ा बनाने के लिए दाल में कड़ी पत्ता को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे इस तरह हाथों पे फैला लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से हम दाल वड़ा का आकार देंगे और दाल वड़ा को मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई या पैन में फ्राई होने के लिए डाल देंगे। दाल वड़ा को एक एक करके ऑयल में पैन में फ्राई होने के लिए डाल देंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, जिससे दाल वड़ा हमारा अंदर तक अच्छे से सिक जाए और दाल वड़ा
परफेक्ट दाल वड़ा बनके हमारा तैयार होगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने दाल वड़े को डाल करके इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने के लिए डाल दिया है। और अब हम इसे एक एक करके सभी दाल वड़ा को पलट देंगे और पलट के हम दोनों तरफ से गोल्डन कलर या सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, दाल वड़े हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और इसमें दोनों तरफ से गोल्डन कलर या सुनहरा कलर आ गया है। और अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। इस टाइम पे गैस का फ्लेम लो कर लेंगे जिससे ऑयल हमारे जले ना, और हम इस तरह से दाल वड़ा को अच्छे से ऑयल में से निकाल लेंगे। दाल वड़ा को हम इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम उजला या वाइट कलर का वड़ा बनाने के लिए पिसी हुई उड़द की दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम चलिए इसका वड़ा बना लेते हैं। वड़ा बनाने के लिए हम इसे चम्मच से ही एक एक करके फ्राई होने के लिए या फ्राई करने के लिए पैन में डालेंगे। और यहाँ मैंने पैन में वड़ा को फ्राई होने के लिए डाल दिया है। और अब हम इसे पलट लेंगे। इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे जिससे वड़ा हमारे अच्छे से अंदर तक पक जाए या सिक जाए। और हम इसे गोल्डन या सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। सफ़ेद कलर का वड़ा या उड़द दाल का वड़ा हमारे अच्छे तरह से सिक गया है और इसके दोनों तरफ में अच्छा गोल्डन कलर भी आ गया है। और अब हम इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। और ये देखिए, वड़ा हमारा बिल्कुल परफेक्ट सिक गया है या फ्राई हो गया है। और अब हम इसे भी निकाल लेंगे। हम इसे निकाल करके, इसे ऑयल में से निकाल करके हम इसे पानी में डालेंगे जिससे दही वड़ा हमारे बिल्कुल अच्छे परफेक्ट और सॉफ्ट बन के तैयार हो। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे पानी में अच्छे से डाल दिया है। और अब हम हरा कलर का वड़ा बनाएंगे। हरा कलर का वड़ा बनाने के लिए हम पिसी हुई मूंग की दाल में आधा चम्मच जीरा डालेंगे और 4 से 5 तोड़ कर कड़ी पत्ता डालेंगे जिससे हरा मूंग की दाल का वड़ा में भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिला लेंगे। सेम तरीके से ही हम हरा मूंग की दाल का भी वड़ा बना लेंगे और इसे एक एक करके तेल में डालेंगे और इसे भी मीडियम फ्लेम पे ही हम फ्राई कर लेंगे जिससे हरा मूंग की दाल का वड़ा भी अच्छे से हमारा अंदर तक सिके, ग्रीन कलर का वड़ा भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो। वड़ा में एक तरफ से गोल्डन कलर आ गया है और अब हम इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, वड़ा में हमारा दोनों तरफ से सुनहरा कलर या गोल्डन कलर आ गया है और वड़ा भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और अब हम इसे भी निकाल लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्राई किए हुए हरा या ग्रीन कलर के वड़ा को हम प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम एक बर्तन लेंगे और इसमें 1 कप या 1 कटोरी दही डालेंगे। ये घर का बना फ्रेश दही है। और इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे और स्वाद अनुसार या थोड़ा सा नमक डालेंगे। और अब दही को चम्मच से ही अच्छे से मिला लेंगे जिससे चीनी और नमक का फ्लेवर दही में अच्छे से मिल जाए। और अब हम पानी में फूले हुए उड़द दाल का वड़ा लेंगे और इसमें से एक्स्ट्रा पानी निचोड़ कर हम वड़ा को दही में ऐड करेंगे या दही में डालेंगे। वड़ा दही में डालकर हम इसे चम्मच से हल्के हाथों से ऊपर से नीचे की तरफ करते हुए अच्छे से मिला लेंगे या मिक्स कर लेंगे जिससे वड़े में दही अच्छे से मिल जाए।
और ये देखिए हमारा तिरंगा वड़ा बनके तैयार हो गया है। और चलिए अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। तिरंगा वड़ा को सर्व करने के लिए यहाँ मैंने एक थाली लिया है। थाली में सबसे पहले हम ऑरेंज या नारंगी कलर के वड़ा को हम सबसे पहले सर्व करेंगे और अब हम सफ़ेद या उजले कलर के वड़े को हम थाली में अच्छे से सर्व करेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने दही वड़ा या सफ़ेद वड़ा को अच्छे से सर्व कर लिया है। और अब हम ग्रीन कलर या हरा कलर के वड़े को सबसे नीचे में अच्छे से सर्व करेंगे। और आपको मेरी वीडियो या रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और ये देखिए दोस्तों यहाँ मैंने तीनों कलर के वड़े को अच्छे से सर्व कर लिया है और हमने सफ़ेद कलर के वड़े के ऊपर और अच्छे से दही लगा दिया है या दही डाल दिया है। और अब हम सफ़ेद कलर के वड़े के ऊपर जीरा पाउडर डालेंगे जिससे हमारा तिरंगा वड़ा बिल्कुल परफेक्ट बनके कंप्लीट हो जाएगा।